नहीं दिखा, लेकिन यार लाहौर कलंदर को मशवरा है भाई। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं क्या, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा हुआ है, कह रहा है भाई बैटिंग को कुछ कर लो यार, कम से कम इंटरेस्टिंग तो बनाओ, इंटेंट तो शो करवाओ, बैट्समैन ऐसे डालो यार कि मजा तो आए देखने में। कल शाहिन कह रहे थे कि वो बोरिंग कर दिया था, मैच ही बोरिंग कर दिया था। शाहिन कह रहे थे वो अपनी बैटिंग लाइन को टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझ के ये किया। कल हमने शायद आपको जिक्र किया था, जैफा ने भी बताया था कि उनकी वाइफ आकिब जावेद का काशिफ आपने अभी नाम लिया, आकिब जावेद बड़ा ट्रोल हो रहे हैं ट्विटर पे इस वक्त ना, क्योंकि उन्होंने बाबर और रिजवान के बारे में कहा था कि यार ये T20 के बैट्समैन नहीं है, लेकिन ये देखें लोग कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ये जो पिक किए, कामरान गुलाम, ताहिर बेग, चले ताहिर बेग इमर्जिंग है ताहिर बेग ने, मगर हुसैन तलत और ये देखें लोग कह रहे हैं कि भाई ये रिजवान और बाबर के बारे में कहते थे, इन्होंने खुद क्या बैटिंग पिक की है। बैटिंग ऑर्डर में अगर आप देखें ना, मैं वहां मैच देख रहा था, यानी फखर जमान जब आउट हुआ तो उसके बाद और रिजवान का किसी ने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया है कि वो दुआएं कर रहा है कि भाई आखिर में स्टेटमेंट दे दिया। वैसे ही हमारी PSL हिस्ट्री रही है, जिस जिस लेजेंड ने या किसी भी मौजूदा क्रिकेटर ने दूसरे के बारे में कोई गलत बात की है, फौरन ही सामने आ गई, वहीं हिसाब पूरा हो गया। लेकिन ये बाबर भाई, मैं दोनों से सवाल करना चाहूंगा कि क्यों इन्होंने खुर्रम कामरान गुलाम हो गए और ये हुसैन तलत, ये दोनों का स्ट्राइक रेट आप देखें इतना कोई खास नहीं है T20 फॉर्मेट में जो तेज क्रिकेट खेली जाती है, तो दोनों को रख लिया तो एक के बाद वो दूसरा वो आ रहा है, तो ये तो कल हारने की एक बड़ी वजह उन दोनों का रोटेशन करना ही था, इंटेंट ही शो नहीं की। जैसे हम कराची के लिए कह रहे थे ना, टोटली डिपेंड करते हैं शर्जील खान के ऊपर, ऐसे वो टोटली डिपेंड कर रहे हैं फखर जमान, फखर जमान आउट हुआ तो कल बैटिंग ऑर्डर के अंदर मुझे कोई स्टार प्लेयर नजर नहीं आ रहा, यानी शाय होप आ गया, शाय होप भी कोई इतना बड़ा T20 स्टार नहीं है, उसके बाद आपने कामरान गुलाम आ गया, फिर उसके बाद आपका नीचे हुसैन तलत आ गया, हुसैन तलत के बाद लायम डॉसन आ गया, अरे आप तलत से पहले ही डॉसन को भेज देते। फखर की जो विकेट है वो भी आप देखें, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला है, फखर के साथ भी प्रॉब्लम ये है, वो जो कंपैरिजन की बातें हो रही थी ना कि आप सिलेक्टर्स को फखर और साहिम अयूब को देखना होगा, नहीं, साहिम अयूब चारों तरफ क्रिकेट खेलते हैं, शॉट्स अपने खेलते हैं, फखर के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी कोशिश रहती है हर बॉल को लेग स्टंप पे खींचे। कल वो आमिर यामिन को जो आउट भी हुए हैं आप देखें, वो ऑफ स्टंप की बॉल को लेग पे खींचने के लिए गए हैं और चक्कर में आउट हुए हैं, अगर उस बॉल को वो मेरिट पे ड्राइव भी करते, फील्डर ऊपर थे, हो सकता था अच्छी ऑफ ड्राइव होती और वो चौका हो सकता, लेकिन क्लावर की बैटिंग कमजोर है, ये तो एक्सपोज हो गई।